फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। शौक बड़ी चीज है, ये शौक किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन इस शौक के लिए कोई अगर गलत रास्ता अख्तियार कर ले तो उसे आप क्या कहेंगे। ऐसी ही एक वारदात की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बेगूसराय में 10 जनवरी के दिन एक मोटरसाइकिल, पैसे और मोबाइल की चोरी की घटना दर्ज होती है। ये कहा जाता है कि बेगूसराय के एक क्षेत्र लाखों क्षेत्र में एक शख्स से मोटरसाइकिल छीन ली गई बंदूक दिखाकर, पैसे छीन लिए गए और मोबाइल छीन लिए गए। इसके बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की। वो कहते हैं ना कि वारदात करने वाला हर एक शख्स कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ देता है। जिन लोगों ने मोटरसाइकिल को छीना था उन्होंने मोबाइल भी उस शख्स से छीन लिया था। पुलिस ने उस मोबाइल को सर्विलांस पे रखा। कुछ दिनों के बाद मोबाइल ऑन हो गया और उसके बाद एक एक करके सारे अपराधी पकड़ा गए। लेकिन यह कहानी इतनी नहीं है कि मोबाइल के जरिए किसी अपराधी का पकड़ा जाना, बल्कि इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि जिस बंदूक को दिखाकर अपराधी ने मोटरसाइकिल लूटी थी वह बंदूक नकली थी। दरअसल दो शख्स, एक ITI का छात्र है और दूसरा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। दोनों को बाइक का जबरदस्त शौक ऐसा कि इन्होंने एक लूटपाट की योजना बनाई। अपने घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इन्होंने रात को एक शख्स से मोटरसाइकिल छीन ली, वो भी जिस बंदूक को दिखाकर इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वह बंदूक एक फ्लिपकार्ट से खरीदी गई थी, वह बंदूक नहीं थी बल्कि प्लास्टिक की एक लाइटर थी, जिसको दिखाकर या जिसके जरिए इन्होंने डराकर उस शख्स से बाइक छीन ली, पैसे छीन लिए और उसका मोबाइल भी छीन लिया। लूट की घटना हुई थी, इसको 10-11 दिन के अंदर ही सॉल्व कर लिया है। इन दोनों को जेल भेजा जाएगा और हम इन दोनों के परिजनों को बुला के भी बातचीत करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो क्यों ऐसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं और ये लोग दोबारा इस प्रकार की घटनाओं में ना शामिल हो, उसके लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने जो घटना की है इसके लिए तो इनको सजा मिलेगी, जल्दी चार्जशीट करके हम स्पीडी ट्रायल करेंगे इनका। तो इनके पास से रिकवर हुआ है उसका हम लोग ने अवलोकन किया है और पूछताछ में ये बात आई है कि ये एक लाइटर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ हथियार जैसा ये एक लाइटर है जो सिगरेट वगैरह जलाने के काम में आता है। शौक के चक्कर में ये दोनों बच्चे जो हैं वो अपराध जगत तक पहुंच गए और इन्होंने पूरे अपराध की प्लानिंग इस तरीके से की कि मोटरसाइकिल भी छीन ली, बाइक तो छीना ही, साथ ही इन्होंने पैसे भी छीने और मोबाइल भी छीना। लेकिन ये भूल गए कि मोबाइल ऑन करने के बाद पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पे डाले हुए थी, नंबर को ट्रैक करके पुलिस उन तक पहुँच सकती है और पुलिस उन तक पहुँच भी गई, क्योंकि ये कोई ऐसे अपराधी नहीं थे जो लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये दोनों नाबालिग बच्चे, लेकिन इन्हें बाइक का ऐसा शौक था कि शौक ने इन्हें अपराधी बना दिया। बड़ी बात ये भी कि इन दोनों ने इसके लिए पूरी प्लानिंग की और आप सोचिए इन्होंने इतनी रेकी की कि फ्लिपकार्ट से एक ऐसे लाइटर को खरीदा जो बिल्कुल हूबहू बंदूक जैसा ही दिखता था। पुलिस ने उस लाइटर को भी बरामद कर लिया है और SP की माने तो इस पूरी घटना में पुलिस ने 10 दिन के अंदर इस पूरे मसले को सॉल्व कर लिया है। SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, टीम लगातार इस पर काम कर रही थी और कल इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने ही कुछ ही दिन पहले एक पिस्तौल नुमा लाइटर खरीदा था और उसी को दिखा करके इन लोगों ने ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने वो वादी की लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और जो वादी के दो मोबाइल फ़ोन इन लोग ने लूटे थे उसको भी बरामद कर लिया है। इन अपराध कर्मियों का भी एक मोबाइल फ़ोन इसमें बरामद हुआ है। बेगूसराय की इस घटना ने बता दिया है कि आजकल के बच्चे भी किस तरीके से अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है हर माँ बाप को कि वो अपने बच्चों का खास ध्यान रखे और ज़रूर देखते रहे कि वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस पूरी घटनाक्रम में सिर्फ 12 दिन के अंदर ही पुलिस ने यह पता लगा लिया कि अपराधी कौन है। ये पुलिस के लिए भी बड़ी कामयाबी की बात है। बेगूसराय से यह रिपोर्ट सौरभ कुमार ने हमारे लिए की है। और आप अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, हम Twitter पर भी आप बिहार तक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें
तक ऐप को हमारे डाउनलोड कर लें, उस पर भी आपको बिहार से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको दिखेंगी।